एक तरफ जहां नए संसद भवन के उद्घाटन पर सियासत जारी है, तो वहीं नई संसद की तस्वीरें भी सामने आ गई है। विकास जी, हाँ बिल्कुल, देखिए आशीष, ये जो तस्वीरें हैं ये आपसे कुछ देर पहले हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें एबीपी न्यूज को मिली हैं, और देखिए जो वीडियो हमने कल आपको दिखाया था ये उसके स्टिल फोटोग्राफ हैं, हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो संसद भवन है वो कितना खूबसूरत बना हुआ है। और देखिए ये अलग अलग जो हॉल हैं संसद भवन के, लोकसभा, राज्यसभा और ये कॉमन एरिया, वहाँ की तस्वीरें, ये लोकसभा की तस्वीरें हैं। इसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने एबीपी न्यूज़ पर, 1000 से ज़्यादा लोगों के, सांसदों के बैठने की यहाँ व्यवस्था है। अगर ज्वाइंट सेशन भी बुलाना पड़े तो लोकसभा में बुलाया जा सकता है। अभी जो लोकसभा की जो कैपेसिटी है पुरानी संसद की, वो 552 लोगों से ज्यादा की नहीं। आशीष बिल्कुल विकास, और लगभग अगले 150 साल के जरूरतों को और विशेष तौर पर परिसीमन को ध्यान में रखते हुए भी इसे बनाया गया है कि अगर लोकसभा और राज्यसभा में नंबर्स बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा सीट्स की जरूरत होगी, और उसको भी ध्यान में रख के इस लोकसभा का निर्माण किया गया है और राज्यसभा, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो 6 अलग अलग समिति कक्ष भी है इस पर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में सहयोगी नीरज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ खास बातें हैं, हम दर्शकों को पिछले कई दिनों से लगातार, हमने कल लेटेस्ट वीडियो दिखाया पूरा एक 360 डिग्री व्यू, अब ये तस्वीरें भी हाई रेजोल्यूशन सामने आई हैं, और जब प्रधानमंत्री मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा था कि हर एक देशवासी को गर्व का आभास होगा जब वो अपने नए संसद भवन की इमारत को देखेंगे, और एग्जैक्टली वही हमें भी फीलिंग हो रहा है जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। बिल्कुल आशीष, आप अगर तस्वीरों पर गौर करें तो देखें तो अंदर का जो नजारा है बेहद ही अद्भुत है, जबरदस्त नक्काशी की गई है, आर्किटेक्चरल दृष्टिकोण से देखें तो बहुत जबरदस्त है। बहुत सारी कई तस्वीरें लगाई गई हैं जिसमें गांधी जी और दूसरे जो हमारे देश के महापुरुष हैं, महानुभाव, उनका उल्लेख किया गया है। कॉमन हॉल अगर आप देखें तो सांसदों के बैठने के लिए कॉमन हॉल में एक ऑलरेडी सेंट्रल हॉल जैसे था तो नहीं बनाया, लेकिन फिर भी एक हॉल बनाया जहाँ पे तमाम सांसद आराम से बैठ सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो संसद भवन के अंदर का जो मतलब हॉल है जहाँ पे आप सांसदों के बैठने के लिए डिबेट और लोकसभा की चेयर है, अगर वहाँ का देखें तो बिल्कुल हाईटेक बनाई गई है, बेहतरीन क्वालिटी के वहाँ पे लैपटॉप रखे गए हैं, स्क्रीन लगाई गई है, हर सांसद के सामने स्क्रीन होगी जो अपने हिसाब से चीजों को पढ़ सकेगा, देख सकेगा और जवाब दे सकेगा। चेयर देखें आप, हॉल का नजारा देखें, यूएन के हॉल से कहीं बेहतर लोकसभा अध्यक्ष के का आसन दिखाई पड़ रहा है, तो ये अपने आप में एक अद्भुत वास्तुकला को दर्शाता है। भारत का, भारतीय संसद जिस तरह से बनाई गई है, ये माना जा रहा है कि जिस समय इसका उद्घाटन होगा और लोग इसको देखेंगे, दुनिया में अब तक का सबसे बेहतरीन सरकारी इस तरह की इमारत होगी जो अपने आप में भारतीय सरकार की, या ये कहें स्वदेशी बिल्डिंग होगी, भारत सरकार ने जिसे बनाई है, भारतीय संसद ने जिसे बनाई, ये अपने आप में अद्भुत नजारा है। और जो नई तस्वीरें आई हैं वो बहुत ही रोचक है, सुकून पहुंचाने वाली है, और इस बात का एहसास कराती है कि हमने जो पिछले कुछ वर्षों में यानी कि आजादी के बाद से कोई बहुत बेहतरीन बिल्डिंग बनाई है वो भारतीय संसद है। बिल्कुल नीरज, आपके पास आएंगे, देखिए संसद भवन के लिए सागौन की लकड़ी नागपुर के चंदपुर से मंगाई गई है, जो बलुआ पत्थर है, लाल रंग का पत्थर है, वो सर मथुरा से मंगाया गया है, इसके अलावा कालीन यूपी के मिर्जापुर से आई। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी, इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।